बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी व्यूज, तो मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन कीमा शिमला का हल्का सा टच देकर, नहायत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी व्यूज, तो सबसे पहले हमने ले लिए 3 अदद प्याज, काट के हमने डाली है ऑयल में। प्याज को मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जब हल्का सा सिक जाए तो हमने डाल लेने इसमें टमाटर। 3 अदद मैंने टमाटर डाले थे, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हसबे ज़रूरत नमक डाल के हमने मसाला भून लेना है। मसाला हमने हल्की आंच में भूनना है। जब तक मसाला भुनता है तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। चिकन मैंने ले लिया 1/2 किलो बगैर हड्डी के, क्योंकि हमने इसका बनाना है कीमा। अदरक को डालिए चॉपर में, अच्छी तरह से चॉप कर लिया। चॉपर में हम इसको जितना अच्छा चॉप करेंगे हमारी ये कीमा रेसिपी उतनी अच्छी मज़ेदार होगी। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चिकन कीमा हमारा कितने अच्छे से बन गया है। माशा जी, इधर देखे मसाला कितने अच्छी तरीके से भून गया है। हमने इसमें कीमा ऐड कर लिया है और फौरन ही हमने इसको मिक्स करना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाएं। आप देख सकते हैं कि मैं इसमें कैसे चमचा हिला रहा हूँ। ये देखें माशा से ये कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। और जब हमारा कीमा अच्छे से गल जाए, ये देखें व्यू, सिर्फ 1 शिमला मिर्च का हमने इसको हल्का सा टच दे दिया, इससे इस रेसिपी में टेस्ट और लुक दोनों ही अच्छा आएगा। माशा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखे जी हमारी रेसिपी की फाइनल लुक। आहा, आ गया ना मूछ पानी। तो फिर देर क्या दी है, तो सही ब्रोता एंजॉय करो। मेरी मजीद वीडियो के लिए मैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।